अलीशान फैमिली ढाबा फेमस है अपने लजीज पकवान और वैरायटी ऑफ फूड के लिए, जैसे स्पेशल मटन हंडी, पेशावरी ग्रेवी, वाइट कस्तूरी, ज़ाफ़रान कबाब, अजवाइन कबाब और जामुनी कबाब के साथ स्पेशल अलीशान खबसा। फैमिली रूम दस्तरखान, इवेंट एंड फंक्शन एंड बर्थडे सेलिब्रेशन विद नाइस एम्बियंस, फ्री होम डिलीवरी, इजी कनेक्टिविटी के साथ बाईपास कालशेखर के सामने, अफोर्डेबल प्राइसिंग, वाइड स्पेस ताकि आप अपनी पूरी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकें। स्वाद का किंग अलीशान फैमिली ढाबा। बजरंग दल वालों ने मुझे उठा के गली चौक पे ले जाके मारा, मुझे गालियां दी। इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आदिवासी युवक के साथ मारपीट की, बेरहमी से उसे पीटा, फिर उसे मुर्गा बनाकर उसे बेइज्जत किया और जब इतने से दिल नहीं भरा तो इन लोगों ने इसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। ये मामला मध्य प्रदेश के बैतूल का है। घटना शनिवार की रात में हुई है, जहाँ पीड़ित युवक पढ़ाई भी करता है और पार्ट टाइम ये डीजे बजाने का काम करता है। डीजे का जो मालिक है उसका नाम गुल्लू चित्रहार बताया जा रहा है और ये युवक इसी के पास काम करता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि बजरंग दल के नर्मदापुरम के संभाग के संयोजक चंचल राजपूत से डीजे के जो मालिक है उससे विवाद चल रहा था और इसी वजह से डीजे बजाकर ये युवक घर लौट रहा था। तभी रात के समय चंचल राजपूत अपने कुछ साथियों के साथ इस युवक को पकड़ लेता है और इस युवक के साथ मारपीट की, इसे मुर्गा बनाया, इसका वीडियो जो है सोशल मीडिया में वायरल किया। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने चंचल सिंह और अन्य तीन लोगों के खिलाफ 365, 323, 294, 506 और एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। डीजे बजा के पूर्व 11:30 बजे मैं घर अपने घर लौट रहा था। मुझे सुभाष स्कूल के सामने से चंचल राजपूत और उसके अन्य साथी लोगों ने, बजरंग दल वालों ने मुझे उठा के गली चौक पे ले जाके मारा, मुझे गालियां दी और मुझे जाति विरोधी जाति जो गाली दे रहे थे। सर, एक वायरल वीडियो वाला मामला आया था, किस तरह से फरियादी शिकायत की और क्या कुछ मामला दर्ज किया जा रहा है? जी, रात में एक वीडियो वायरल होने की सूचना प्राप्त हुई थी और जब इसके बारे में मालूम किया गया तो ये मालूम पड़ा कि एक राजू उइके नामक युवक के साथ मारपीट की वीडियो वायरल किया गया है। उसे हमने तलाश किया, फरियादी को हमने तलाश किया है और अभी हमारे पास वो आया है और FIR हो रही है। उसमें सुसंगत धामा में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया और उसमें एक आरोपी नामजद है और CH3 आरोपी के बारे में बता रहा है जिसको वो जानता नहीं है। तो कल रात की घटना है, करीब 11:30 बजे की, लेकिन उसने रिपोर्ट नहीं किया था। जब वीडियो वायरल हुआ फिर पुलिस ने उसे ढूंढा तो हमें मिला और रिपोर्ट कर रहा है। सर, क्या पूरा मामला था, किस बात को लेकर मारपीट, ऐसा कुछ? उससे पूछताछ करने पे ज्ञात हुआ कि वो डीजे में काम करता है, डीजे जिसका है कुछ गुल्लू चित्रार वगैरह के डीजे हैं और उसका विवाद चंचल राजपूत नामक युवक से है और उन दोनों के बीच भी कुछ मारपीट की घटना पूर्व में हुई थी, परंतु इस लड़के का कोई उसमें विवाद में नहीं था और इस बात पर कि वो उसके यहाँ काम करता है इस कारण उसके साथ मारपीट करना बताया गया। सर, जिस जो फरियादी है, क्या इसके ऊपर भी किसी तरह के कोई मामले दर्ज है पूर्व में? नहीं, ये अभी ये पढ़ रहा है और डीजे का पार्ट टाइम काम करता है। संगत धाराएं हैं इसमें 365, 323, 294, 506 और एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया। सर, ये बजरंग दल का बताया जा रहा आरोपी है, इसके बारे में बताया जा रहा है लेकिन तस्दीक करना पड़ेगा कि कौन है, इसके बारे में हम पता कर रहे हैं। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर क्या किया जा रहा है? अभी प्रयास कर रहे हैं, अभी तो FIR ही हो रही है और हम लोग उसको तलाश रहे हैं। अभी वो घर पे नहीं है और हम शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी कर लेंगे।